was a well-planned conspiracy hatched at the CM house. जानबूझकर प्रधानमंत्री को एक असुरक्षित माहौल में रखा। चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब में रोज ट्रैवल कर रहे हैं, उनको तो कभी 20 मिनट कहीं रोका नहीं गया, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए क्यों नहीं ढूंढा गया? सुरक्षा के खिलवाड़ के लिए कोई जिम्मेदार था तो वो पंजाब की सरकार थी, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए कुछ तत्वों के बयान जिस प्रकार से आ रहे थे और इंटेलिजेंस इनपुट जिस रूप में थे, और इन सब की अनदेखी पंजाब सरकार ने किया। एक प्लानिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनकी जिम्मेदारी। ये ना सिर्फ निंदनीय है बल्कि दंडनीय भी। पंजाब का मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए फॉर द कॉन्स्पिरेसी टू किल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। पंजाब के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए, बात आगे बहुत बढ़ चुकी है। हिमंता बिस्वा सरमा मांग कर रहे हैं कि गिरफ्तार करो चन्नी को। पीएम के खिलाफ साजिश, खतरे और विश्वासघात के उन 20 मिनट में क्या क्या हो सकता था? वो 20 मिनट, वो क्या षड्यंत्र हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या हो सकता था प्रधानमंत्री के साथ, और उसके पीछे कौन था? अब इन तमाम बातों की जांच एक न्यायिक आयोग करेगा, यह बड़ी खबर है, और इस न्यायिक आयोग की अध्यक्षता जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। यह आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है, यह जुडिशियल कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक से जुड़े सवालों को एक तरफा जांच के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। आप जानते हैं, जांच इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि इंटेलिजेंस के बाद अब पंजाब पुलिस की ओर से भी यह खुलासा हुआ कि चन्नी सरकार को प्रदर्शन को लेकर पहले से जानकारी थी। एडीजीपी की चिट्ठी आ गई है कि पहले से वार्निंग थी कि यह सब हो सकता है और चन्नी सरकार को निर्देश थे कि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई ना हो। आज अकाली दल के बड़े नेता बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, विक्रम मजीठिया ने बड़ा दावा किया और कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए। अकाली नेता मजीठिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची गई थी, इस साजिश में चन्नी सरकार शामिल थी और इस साजिश के लिए, आगे सुनिएगा जो मजीठिया ने आरोप लगाया, कि मुख्यमंत्री चन्नी के दफ्तर में मीटिंग हुई थी, पीएम की खतरे में जान सीएम चन्नी के दफ्तर में बना था प्लान। ये मजीठिया बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा खुलासा भी हुआ कि पंजाब की चन्नी सरकार ने प्रधानमंत्री का रूट क्लियर करने का कोई आदेश दिया ही नहीं था, जबकि सरकार को पहले से जानकारी थी कि सड़क पर आंदोलन चल रहा है। और सुनिए, पुलिस को निर्देश थे कि आंदोलनकारियों पर कार्रवाई ना की जाए, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। और आज इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संबित पात्रा सामने आई बीजेपी की तरफ से, पार्टी सामने आई, सरकार सामने आई, और बीजेपी का आरोप है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चन्नी सरकार ने जानबूझकर लापरवाही बरती और खतरे के अलर्ट के बाद भी सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ किया। इसलिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा तो एक कदम आगे निकल गए, उन्होंने तो मांग कर दी कि चन्नी को, मुख्यमंत्री चन्नी को गिरफ्तार करना चाहिए, उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो। हिमंता बिस्वा सरमा, सवाल यही कि प्रधानमंत्री को खतरे में डालकर किसका फायदा होने वाला था, मोटिव, और इस साजिश में ऊपर वाला कौन? आज स्मृति ईरानी ने कहा किसी बड़े नेता का हाथ, बड़े नेता का हाथ, बड़ा नेता कौन, ऊपर वाला कौन प्रधानमंत्री से साजिश में? अलका लंबा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी और संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं संबित आपसे ही शुरू कर रहा हूं, पंजाब सरकार जिम्मेदार, जांच से पहले आप लोग फैसले पर कैसे पहुंच जाते हैं? आज तो जांच का ऐलान हुआ है, अब जांच होगी, पता लगेगा कौन है कौन नहीं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने कहा पंजाब सरकार जिम्मेदार, कैसे जांच से पहले निष्कर्ष पर कैसे? देखिए अमन भाई, कुछ महत्वपूर्ण टेक्निकल विषय आपके समक्ष रखूंगा, आप निर्णय लीजिएगा। वैसे तो सही कहा आपने, जांच होने वाली है, दूध का दूध और पानी का पानी तो सुप्रीम कोर्ट करेगी ही, और सुप्रीम कोर्ट ने माना इस बात का कि ये गंभीर विषय है और लैप्स हुआ है तभी तो जांच हो रहा है। पहले तो चन्नी सरकार कह रही थी ये तो बहुत हल्का फुल्का मामला है, कोई लैप्स ही नहीं हुआ है। देखिए नंबर एक, जब प्रधानमंत्री 5 तारीख को जाते हैं तो उससे पहले 1 और 2 जनवरी को ASL एडवांस सिक्योरिटी का जो पूरा अरेंजमेंट होता है, पूरा ASL किया गया था, अर्थात SPG और वहां की लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन बैठ करके अगर कंटिजेंसी प्लान बनाना पड़े, प्रधानमंत्री को सड़क रूट से जाना है तो कौन से सड़क रूट से प्रधानमंत्री जाएंगे ये तक चिन्हित कर लिया गया था, और सारा कंटिजेंसी प्लान कि अगर प्रोटेस्टर्स आएंगे तो किस प्रकार से डील करना है, यदि सेफ हाउस बनाना पड़ेगा तो सेफ हाउस कहां होगा, ये सारे कंटिजेंसी प्लान 1 जनवरी और 2 जनवरी को हो गया था। और फाइनली 4 जनवरी को, अर्थात प्रधानमंत्री जी के आने के एक दिन पहले, एक
रोड रिहर्सल भी किया गया जिसमें कि ये निश्चित किया गया कि किस रूट से प्रधानमंत्री आखिरकार अगर जाना होगा तो जाएंगे, ये सब कुछ हो गया। दूसरे दिन जब प्रधानमंत्री आते हैं तो आश्चर्य का विषय है, चन्नी साहब तो कोविड के बहाने नहीं आते हैं, वो अलग बात है कि वो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मगर चीफ सेक्रेटरी भी नहीं आते हैं और डीजीपी भी नहीं आते हैं, जबकि उनके लिए ईयरमार्क गाड़ी होती है और जिस भी राज्य में प्रधानमंत्री जाते हैं सीएस चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का होना अनिवार्य होता है। तीसरी बड़ी बात है, जब वहां मौसम इंक्लीमेंट होता है, वेदर इंक्लीमेंट होता है, उसमें हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता है, तो प्रधानमंत्री फाइनली कंटिजेंसी रूट को फॉलो करते हैं। यह बात केवल डीजीपी को बताई जाती है, मगर बहुत ही कम समय में यह बात लीक होती है और सड़क जाम हो जाता है। यह बात बाहर निकला कैसे, क्योंकि प्रधानमंत्री कौन से रूट में जाने वाले हैं यह कभी डिक्लेयर नहीं किया जाता है, यह केवल डीजीपी जानते हैं। चौथी और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी जिस सड़क पे गए और जहां 20 मिनटों तक प्रधानमंत्री को रुकना पड़ा, ये सारी बातें हमने देखा अभी कि सीआईडी हो चाहे पुलिस हो, इनके पास जानकारी थी और ये जानकारी वो आला अधिकारियों को लगातार भेज रहे थे। सीआईडी ने तो 3 दिन पहले ये जानकारी आला अधिकारी को भेजा था, ये सारी जानकारियां होने के बावजूद पुलिस चुप कैसे रही। चौथी बड़ी बात, 20 मिनट प्रधानमंत्री उस स्थान पर खड़े रहे जो कि पाकिस्तान से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पे था, अर्थात आर्टिलरी रेंज में था, फायरिंग रेंज में था, ड्रोन की रेंज में था और स्नाइपर्स के रेंज में, अर्थात अगर पास की बिल्डिंग्स और पास के पेड़ों में स्नाइपर होते तो इजीली प्रधानमंत्री को टारगेट किया जा सकता था। चौथी बात, आपने खुद वीडियो में देखा कि पुलिस वहां पर लोकल लोगों के साथ, जो तथाकथित प्रोटेस्टर्स इत्यादि थे, उनके साथ चाय पी रही थी, लचर रवैया था। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो एक स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से सामने आया है कि खुद सीआईडी के हमारे जो सरदार जी थे, सुखदेव जी जिनका नाम है, वो खुद कह रहे हैं कि एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कॉल दिया था कि प्रधानमंत्री को जो हानि पहुंचाएगा हम उसको रिवॉर्ड करेंगे, और ये 3 दिन पहले कॉल दिया गया था और इस कॉल और इस चैलेंज को सीआईडी ने आगे भी फर्दर किया था, अर्थात आला अधिकारियों को ये सब कुछ जानते हुए भी आला अधिकारी चुप रहे, आलती पालती मार के बैठे रहे, ये लापरवाही नहीं, ये मिली भगत है। दिस इज नॉट केयरलेसनेस, दिस इज कनाइवेंस। लापरवाही नहीं, मिली भगत है। अलका, थ्रेट नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश क्यों दिए, यानी कि थ्रेट तो था। अमन जी, सबसे पहले अगर किसी ने जांच कमेटी बिठाई थी तो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने ये बात कहते हुए कि अगर प्रधानमंत्री पर कोई आंच आएगी तो सबसे पहले उनका सीना आगे होगा, पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये कहा। उन्होंने ये कहा कि हम जांच बिठाते हैं और जांच कमेटी पंजाब के मुख्यमंत्री ने पहल करके बिठाई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जब हम लोगों ने ही मांग पर, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की मांग पर केंद्रीय जांच बिठाई और उस जांच कमेटी को भंग किया जो केंद्र ने बैठा दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की कि जब आप सब केंद्र सरकार को का तय करके ही आ गए हैं, सजाएं भी दे दी है, दोषी भी मान लिया है, तो हमारे पास क्यों आ रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नंबर एक। नंबर दो, जो प्रधानमंत्री देश का 134 करोड़ की आबादी वाला प्रधानमंत्री डरा हुआ और असुरक्षित हो, उसके हाथ में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, उसके हाथ में 134 करोड़ का भारत देश कैसे सुरक्षित रह सकता है डरे हुए असुरक्षित प्रधानमंत्री के हाथ में। ये प्रधानमंत्री जी की सच्चाई है। पंजाब को बदनाम किया गया, बोला भटिंडा से जिंदा लौट रहा हूं, अपने मुख्यमंत्री चन्नी को धन्यवाद कह देना। ये तो पहले भी हो चुका है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ था, प्रधानमंत्री जी का काफिला फंस गया था, तब सुरक्षा में नहीं कहकर आए थे अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार को कि नोएडा से जिंदा बचकर जा रहा हूं, पंजाब को ही बदनाम क्यों किया गया। सच्चाई ये थी कि फिरोजपुर जिसपे बात की जा रही है, ये चुनावी रैली था, खाली कुर्सियां दिख रही हैं। किसने तय किया था कि पाकिस्तान की जो फायरिंग रेंज का जो एरिया आता है उसी में रैली होनी है, ये रैली किसने फायदा किसने कहा था, भाजपा ने करा रही थी, क्लियरेंस किसने दिया, पीएमओ ने, आना किसको था, प्रधानमंत्री जी को आना था, किसने कहा था ये जगह चुनिए, चन्नी जी ने मजबूर किया या कांग्रेस ने, हम पूछना चाहते। और अगर किया भी ये जगह तो आपको याद होना चाहिए कि सरहद से 15 किलोमीटर एरिया पहले बीएसएफ के अधीन होता था, अब सरहद से 50 किलोमीटर का एरिया बीएसएफ के अधीन आता है और उसी के तहत ये सभा हो रही थी, ये किसने तय किया। अब मैं आपको बता देती हूं किन लोगों से खतरा था, ये देख लीजिए, ये प्रधानमंत्री जी की गाड़ी है एसपीजी और ये भाजपा का झंडा है। खतरा किससे था, भाजपाइयों से था जो यहां तक पहुंच गए। आंदोलनकारी नहीं दिखेगा, आंदोलनकारी काले झंडे लेकर इनके एक एक किलोमीटर तक नजदीक था, कंकड़ तक नहीं पहुंचा, हवा का झोंका, शीशा नीचे तक नहीं गया कि हवा का झोंका चल पाए। अब आती हूं असम के मुख्यमंत्री पर, मैं पंजाब के लोगों को कहूंगी, असम के लोगों को, देश के लोगों को, भाजपा के संघ मानसिकता
बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि कैसे देश का इकलौता पंजाब का पहला एक गरीब पढ़ा लिखा दलित मुख्यमंत्री बन गया। ये संघ की सोच के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए असम के भाजपा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री पर हत्या का मामला दर्ज करके उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। इनकी मंशा देख रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हैं, चुनावी जनसभा में मंच पे खड़े होकर कहते हैं, इतना सेंसिटिव मामला है तो वहां खड़े होकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री को जान से मारने की साजिश हो रही थी, आप हमें वोट दीजिए। ये वोटों की राजनीति होगी, हवन हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। सिर्फ ये लास्ट पोस्टर दिखाना चाहती हूँ। ये दिल्ली की दहलीज पर बैठा रहा एक साल तक हमारा किसान अन्नदाता है, 700 शहीद हो गए, अपने घरों तक ये भी नहीं कह रहे कि हम जिंदा लौट पाए, जिंदा नहीं लौटे 700 किसान। 20 किलोमीटर पे बैठे थे प्रधानमंत्री जी, एक साल तक रहा नहीं गए, लेकिन 200 किलोमीटर वो यात्रा बाई सड़क अचानक मिनट बोला, आप दोनों को 2-2 मिनट दिए कार्यक्रम में कहीं भी, क्योंकि ओपनिंग स्टेटमेंट जरूरी होता है। अब मैं सवाल ले लेता हूं अलका जी, थ्रेट था इतना मानेंगे, थ्रेट था जो चन्नी जी कह रहे थे, थ्रेट नहीं था, कम से कम आज आप ये मानेंगे कि थ्रेट था। अगर थ्रेट नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट जांच का आदेश क्यों देता? थ्रेट था या नहीं था? थ्रेट बिल्कुल भी नहीं था। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी बैठी है, जो टेक्निकल पॉइंट आपके भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं यहाँ पर, वो टेक्निकल के लिए जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? अलका जी, अगर टेक्निकली तो जांच होगी, अगर पीएम की सिक्योरिटी को कोई थ्रेट नहीं होता तो ये क्या ये जांच ड्रामे की जांच करेगी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी? इंदु मल्होत्रा जी किसी नाटक और ड्रामे की जांच? ड्रामा था या थ्रेट था ये तो जांच में आ जाएगा, इंतजार करें। इतना पैनिक क्यों हो रहे हैं? आपने बोला थ्रेट नहीं था, असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आपने बोला थ्रेट नहीं था। आराम से, आराम से अलका जी, अलका जी सवाल जवाब लेंगे, समझ में आ पाएगा। आपने बोला थ्रेट नहीं था, पीएम को कोई थ्रेट नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदु मल्होत्रा जी की अध्यक्षता में 5 जजों की समिति क्यों बनाई है? नहीं नहीं, जांच तो हम भी कह रहे हैं, हम तो कह रहे थ्रेट नहीं था भाई, कोई थ्रेट नहीं था तो जांच क्यों? नहीं नहीं, ये हम मैं फिर कह रही हूँ, वो कह रहे हैं थ्रेट था, हम कह रहे हैं थ्रेट नहीं है, जांच बैठ गई ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आ जाएगा थ्रेट था या नहीं था, या प्रधानमंत्री जी ने हवाई दौरा अपनी मर्जी से रद्द कर दिया और जबरदस्ती कह दिया 200 किलोमीटर पैदल ही यहां से बाय रास्ते जाऊंगा, जो 20 किलोमीटर दिल्ली की दहलीज पर एक साल तक नहीं पहुंच पाए, वो यहां पर 15 मिनट पहले अपना रूट बदलते और कहते 200 किलोमीटर पाकिस्तान की रेंज के एरिया जहां आपने रैली तय की। ये मनीष तिवारी जी ने कहा था, ये मनीष तिवारी ने कहा था, वो गलत कह रहे होंगे, हो सकता है। मनीष तिवारी ने कहा था कि पाकिस्तान की आर्टिलरी के रेंज में थे पीएम। सुनील जाखड़ जी ने कहा था, सुन लीजिए ना अब अलका जी, मनीष तिवारी जी ने कहा, सुनील जाखड़ जी ने कहा, और अब सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों 5 जो एक न्यायिक आयोग बना है इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में। अच्छा एक बस सवाल, समेत एक मिनट, इंदु मल्होत्रा पर भरोसा होगा? जो भी कमेटी की रिपोर्ट आएगी उन पर भरोसा है? हमें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और इसकी इंदु मल्होत्रा जी पर भरोसा होगा, क्योंकि कल को रिपोर्ट आएगी। जी जी, हमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं, इस कमेटी पर पूरा विश्वास है, और बिल्कुल हमें पूरी कमेटी पर विश्वास है, दूध का दूध पानी सच्चाई सामने आएगी और आनी भी चाहिए, और चुनावों से पहले आनी चाहिए ताकि भाजपा बेनकाब हो जाए, जो चुनाव में वोटों की राजनीति के तहत ये षड्यंत्र रच के मुद्दों से भटकाकर जगवीर सिंह जी भी हैं अकाली दल से, समित आप रिएक्ट जवाब दे दीजिए, फिर मैं अजय आलोक और अकाली दल से, क्योंकि अकाली दल ने आरोप लगाया कि चन्नी जी के दफ्तर में बैठकर पीएम के खिलाफ साजिश का प्लान बना था, ये बहुत बड़ा आरोप है, वो शायद बता पाएंगे जगवीर जी उनके क्या सोर्सेज है, लेकिन संबित पहले आप जवाब दे दीजिए जो कुछ अलका जी ने कहा। नशा माफिया जी जी, अब संबित बोलेंगे एक एक करके। संबित, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया, मैं एक एक करके टेक्निकल जवाब देता हूँ, लफबाजी नहीं करूंगा। नंबर एक, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि 15 मिनट पहले प्रधानमंत्री जी ने रूट बदल दिया या 15 मिनट पहले ही प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया। मैंने इसीलिए आपको डेट बताया था कि 1 और 2 जनवरी को कंटिजेंसी प्लान उस पर बात हो गई थी ASL पे, और 4 जनवरी को कंटिजेंसी रूट पे रिहर्सल भी हो गया था। और दूसरी बात है रूट बदलने की बात, SSP भटिंडा इस रूट पे जो आगे पायलट गाड़ी चलती है, खुद SSP भटिंडा चल रहे थे, तो जो रूट पंजाब की पुलिस दिखा रही थी उसी रूट पे चल रहे थे, और रूट का क्लियरेंस DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने दिया था, तो ये जो गलत बातें कही जा रही है पहले इसको दुरुस्त किया जाए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि BSF के अंतर्गत आता है 50 किलोमीटर, तो ये तो BSF का विषय है, नहीं, ब्लू बुक आप पढ़िए, ब्लू बुक ऑफ रूल्स के अंतर्गत प्रधानमंत्री जिस भी राज्य में जाते हैं उनके लिए 2 प्रकार की सिक्योरिटी होती है, जो मुख्य सिक्योरिटी होती है बाहर की वो सारी की सारी जिम्मेदारी DGP और वहां की पुलिस की होती है, और प्रॉक्सिमेट बॉडी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी
वहां के एसपीजी की होती है, जो एसपीजी उनके साथ रहते हैं, ये है ब्लू बुक। बीएसएफ के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी का सुरक्षा नहीं आता है। तीसरी बात है, इन्होंने कहा हम पंजाब को बदनाम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा वो असुरक्षित है, जहां एक प्रधानमंत्री जी पंजाब को बदनाम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के हत्या के बाद भी, मतलब दुखद था इंदिरा गांधी जी का हत्या, मगर इंदिरा गांधी के हत्या के बाद भी ये हम नहीं कह सकते कि पंजाब बदनाम हो गया। इंदिरा गांधी के हत्या को आप पंजाबी, पंजाबियत या सिक्खी के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या किन्हीं ने भी किया हो, बेअदबी के कारण किया हो, कोई भी कारण हो सकता है, अनफॉर्चुनेट है, मगर ये कहना कि पंजाब बदनाम हो गया, ये जनरलाइज आप नहीं कर सकते हैं। राजीव गांधी को तो डंडे भी पड़े और उसके बाद उनको तो बम से भी उड़ा दिया गया, अनफॉर्चुनेट, मगर वो तमिलियंस के ऊपर आप नहीं कह सकते कि हम तमिलियंस को पूरा पेंट कर देंगे कि तमिलियंस को अपमानित किया जा रहा है या तमिलियंस को बदनाम किया जा रहा है, कतई नहीं। उसमें ना तमिलियन ना पंजाब एंगल है, इसलिए प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो सेंध हुआ है पंजाब सरकार और कांग्रेस के कारण हुआ है, पंजाबियत या सिक्खी के कारण नहीं हुआ है। आप राजनीति ना करिए। तीसरी बड़ी बात, यहाँ इन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा, मैं नहीं बोल रहा था क्योंकि ये सत्य को बचा नहीं पाते हैं तो ये सबके बीच में लगातार बोलते हैं। ये चाहते हैं ये डिबेट हो, आपने भी नहीं बोला बीच में, वो भी नहीं बोलेंगी, कोई बीच में नहीं बोलेगा। अजय आलोक भी वेट कर रहे हैं रिटर्न का। हाँ प्लीज प्लीज दूंगा अलका जी, आपको पूरा पूरा बराबर मौका मिलेगा, बिल्कुल। आई विल मेक श्योर संबित, धन्यवाद। बार बार इन्होंने कहा एक डरे हुए प्रधानमंत्री को देश का बागडोर नहीं संभालना चाहिए। बिल्कुल नहीं। देखिए, इंदिरा गांधी को मार दिया, राजीव गांधी को उड़ा दिया। मैं तो नहीं कहूंगा इंदिरा गांधी भी डरी हुई थी और राजीव गांधी भी डरे हुए थे, बहुत दुखद हुआ जो दोनों के साथ हुआ, मगर यही दूसरे प्रधानमंत्रियों के साथ हो ये नहीं होना चाहिए। आप इसमें कोई सैडिस्टिक प्लेजर मत ड्राइव करिए कि प्रधानमंत्री, कि आप अभी कह रहे थे कि गोली तो नहीं चली, पत्थर तो नहीं चला, क्या चाहते हैं? आप कह रहे थे प्रधानमंत्री हवा का झोंका खाने के लिए अपने 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 विंडो को नीचे कर देते, अपने झरोखे को नीचे कर देते, क्यों? ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता बार बार बोल रहे हैं, उसी हेलीकॉप्टर में जाना चाहिए था, ये तो ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, जबकि चंद दिनों पहले हमने अपने देश के सीडीएस को खोया है, और अब कांग्रेस की प्रवक्ता आके कह रही है कि खिड़की को नीचे करना चाहिए था, हवा तक का झोंका नहीं जा रहा था। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं? और आखिरी बात, ये कह रहे हैं कि उस स्थान पर आपको रैली करने के लिए किसने कहा था कि वो नहीं रैली करेंगे? आप पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ गलबहियां करें और हम अपने देश में रैली ना करें, क्यों नहीं करें? ये वो प्रधानमंत्री है जिसने पाकिस्तान को नाको चने चले जबवाया था सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके। अलका जी, ये कोई हंसने मुस्कुराने और ठहाके मारने का कोई मनोरंजन नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री के सुरक्षा के विषय में बात हो रहा है, मगर आप जैसे बदतमीज लोग ये सब समझ नहीं पाएंगे। ये हंसने और ठहाके मारने का विषय नहीं है। ये सबके बीच में पीछे बोलते रहेंगे, जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, बठिंडा पंजाब से जिंदा लौट कर जा रहा हूं, बदनाम, ये धब्बा नहीं लगने देंगे। अरे मैं तो कह रहा हूं, इंदिरा जी को गोली से भून दिया, मगर सिक्खी ने नहीं, पंजाबियत ने नहीं, दिखा पाए। इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ वो गलत था, मगर इंदिरा गांधी जी की हत्या के कारण पंजाब को अपमानित करना, पंजाब को बदनाम करना उचित नहीं है, जबकि हर पंजाबी इस बात से दुखी था कि इंदिरा गांधी जी ने अपने टैंकर को हरिमंदर साहिब के अंदर घुसाया था। हर पंजाबी इस बात से दुखी था कि इंदिरा गांधी जी ने पूरे विश्व का सबसे बड़ा बेअदबी किया था, हरिमंदर साहिब को ध्वस्त करके। सबसे बड़ा बेअदबी अगर सिख के इतिहास में भी हुआ है तो वो इंदिरा गांधी ने किया था, मगर फिर भी इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं था, वो अनुचित था, वो अनफॉर्चुनेट था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी कभी समर्थन नहीं करेगी इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ। प्रधानमंत्री है जिसकी जान को कोई खतरा नहीं था, तो जजेस को धमकियों भरे कॉल क्यों आ रही है? देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनिए अलका जी, देखिए, अगर ऐसा कुछ खतरा नहीं था तो वो आतंकी पन्नों का वीडियो भी हमने देखा। अगर कोई खतरा नहीं था तो जजेस, सुनिए ना, तो जजेस को धमकियां आ रही हैं, जजेस को थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं। अब वो पंजाबियत के खिलाफ नहीं है, जो धमकियां दे रहे हैं उनके खिलाफ बोलना पंजाबियत के खिलाफ नहीं है अलका जी। जजेस को कौन धमकी दे रहा है फिर? जजेस को कौन धमकी दे रहा है बताइए ना। पहले जांच बिठाई, अजय आलोक पूरा सहयोग करेंगे जी। अजय आलोक ठीक है, पहले इसका फैसला हो जाना चाहिए, हम तो ये भी चाहते हैं। अजय आलोक वही चीज है ना, चुनावों से। चलिए अजय आलोक, अब आप बोलिए, फिर जगवीर जी मैं आपके पास आऊंगा। अजय आलोक पहले आप बोलेंगे। अजय आलोक,
सरकार जिम्मेदार, चन्नी सरकार जिम्मेदार? देखिए अमन, सबसे पहले मैं उम्मीद करूंगा कि मैडम बीच में नहीं बोलेंगी, क्योंकि आज चन्नी ने कसम खाई हुई है कि किसी को बोलने नहीं देंगी। सबसे पहली बात कि ये विभत्स हंसी सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि ऐसी पार्टी के प्रवक्ता ये विभत्स हंसी हंस रहा है जो इस देश में SPG का कानून लेके आई, पार्लियामेंट से पास करवाया। ऐसे पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खतरा नहीं था, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा हर पल रहता है और इसीलिए इतनी सिक्योरिटी टाइट रहती है। ये कह देना कि बिल क्लिंटन, जो बाइडेन की सुरक्षा को कभी खतरा नहीं है, ये उसी तरह हादसे का पात्र बनते हैं। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा तो हमेशा रहता है और इसलिए उनकी सुरक्षा सबसे कड़ी रहती है इस देश में, और उनकी सुरक्षा में सेंधमारी मतलब देश की सुरक्षा में सेंधमारी है। दूसरी बात, मैं साफ साफ यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप बार बार पंजाबियत एक इमोशनल इशू उठाती हैं कि उन्होंने भटिंडा में ये कह दिया। आप ये बताइए, भिंडर वाले को पैदा किसने किया? क्या वो पंजाबियत का अपमान नहीं था? स्वर्ण मंदिर में टैंकर घुसाया पंजाबियत का अपमान नहीं था? उसके बाद 10,000 सिखों के गले में टायर जला के जला दिए गए, पंजाबियत का अपमान नहीं था? अब वो पार्टी आज पंजाबियत का अपमान की बात कर रही है। तीसरी बात ये कह रही थी कि भाजपा के कार्यकर्ता थे झंडे लेके कैसे आ गए? उस फ्लाईओवर की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट पुलिस की थी, ना कि SPG की, कि कोई वहां पे कॉर्डन को क्रॉस नहीं करे। और एक बात बता दूं, याद होगा अच्छी तरह से, धानू का नाम याद होगा ना अलका जी? धानू राजीव गांधी के मंच पर चढ़ गई थी कांग्रेस का झंडा लिए हुए, सही था क्या वो? तो क्या अभी कोई झंडा लेके कोई भी मंच पर चढ़ जाएगा प्रधानमंत्री के, या प्रधानमंत्री के कैवलकेड में घुस जाए? क्या देश तीसरा प्रधानमंत्री खोने को तैयार है? एक एक प्रमुख विपक्षी दल की प्रवक्ता होने के नाते ये स्टेटमेंट आपका बहुत शर्मनाक है। माफी मांगिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में नहीं थी। प्रधानमंत्री इस देश का हमेशा खतरे में रहता है, समझिए आप, डर गए थे गांधी परिवार पे एक लेजर की लाइट पड़ जाए तो बवाल मचा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुरक्षा पे खतरा, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे खतरा नहीं है। वारे कांग्रेस पार्टी, लगता है प्रधानमंत्री की सारी कुर्सी का अधिकार इन्हीं के पास हो गया, सुरक्षा का खतरा उन्हीं को है। अजीब एक समस्या इन लोग की है, इन लोग की एक समस्या है, इन्होंने अपने बपौती समझ रखी है प्रधानमंत्री की कुर्सी की गांधी परिवार में ही रहेगी और उन्हीं की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। भले कोई लेजर लाइट ही चमका दे तभी सुरक्षा पे खतरा होगा, बाकी किसी की सुरक्षा पे खतरा भी नहीं है। और इस ढंग से आप बोल रही हैं, आज देश का हर व्यक्ति आपकी पार्टी और आपके वक्तव्य को सुन के आप लोग पे थू कर रहा है कि ये विचार हैं आपके। और पंजाबियत आपको कितनी है, आप में पंजाबियत और आपकी पार्टी में पंजाबियत कितनी है, ये तो 10 मार्च को ही फैसला हो जाएगा, उसकी चिंता क्यों कर रही हैं आप? लेकिन एक मुख्यमंत्री के कार्यालय से साजिश होती है और वो भी गांधी परिवार के कहने पर मुख्य मुद्दा सुप्रीम कोर्ट इसी की जांच करेगा कि whether this कॉन्स्पिरेसी वाज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये क्रिमिनल लीक, ये क्रिमिनल इंटेंट के साथ ये कॉन्स्पिरेसी हुई है, कैसे ऐसे करना है, ये क्रिमिनल इंटेंट के साथ हुई है और इसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री सही DGP कार्यालय सबको इन्वॉल्व है, नहीं तो ये संभव नहीं है कहीं पे। क्रिमिनल इंटेंट, जम्मू कश्मीर में तो सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होती है, क्रिमिनल इंटेंट जम्मू कश्मीर में तो सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होती है, अकाली 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 दल से, अकाली दल से है जगवीर जी। पहले एक बार मजीठिया जी का बयान सुना देते हैं, एक बार मजीठिया जी का बयान सुना दीजिए, फिर जगवीर जी से राज पूछेंगे इनके सोर्सेस क्या है भाई, कि CM ऑफिस में प्लान बना था। सुना दीजिए एक बार मजीठिया का बयान। अगर चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब में रोज ट्रैवल कर रहे हैं, उनको तो कभी 20 मिनट कहीं रोका नहीं गया, उनके तो लिए सड़क जाम नहीं होती। जब उनके लिए आप रास्ता ढूंढ सकते हो और, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए क्यों नहीं ढूंढा गया? वो इसलिए नहीं ढूंढा गया क्योंकि एक प्लानिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, CM के ऑफिस में प्लानिंग हुई थी। जगवीर जी थोड़ा रोशनी डालेंगे, ये आपके क्या सोर्सेज है कि CM के ऑफिस में प्लान हुआ? देखो जी, हमारे वही सोर्सेज हैं जी सर, जो हमने पहले भी जो ये प्लान करते रहे हैं उसको हम इन एडवांस बताते रहे हैं। पहले हमने इन एडवांस बताया कि इनके चन्नी सरकार की कांग्रेस गवर्नमेंट की कोशिश है कि जो SAT प्रेसिडेंट सरदार सुखबीर सिंह बादल, उन पर फॉल्स केस होगा और एक औरत करेगी, और जो लेडी जो करेगी वो पहले अकाली दल में रह चुकी है, अब कांग्रेस के साथ उसकी नजदीकी होगी। 2 दिन बाद उसने, जैसे हमने कहा था, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोशिश की, पर वो क्योंकि पहले पर्दाफाश हो गया था ये कुछ कर नहीं सके। उसके बाद हमने ये भी बताया कि यहाँ मिले हैं, गवर्नर NXC में मिले हैं, और अपना दिल्ली में जो अपना लॉन्ज है, VIP लॉन्ज है, उस वहां मिले हैं, और प्लान क्या हुआ है,
कि सरदार विक्रम सिंह मजीठिया उनके खिलाफ केस करना है फॉल्स, वो भी सही बात सच्ची आ गई। तीन डीजीपी बदले गए, 4 डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बदले गए, और क्लियर कई अफसरों ने लिख के दिया, एसएसपी पटियाला सरदार हरचरण सिंह भुल्लर उन्होंने लिख के दिया कि ये गलत काम मैं कर नहीं सकता। ये सब के बावजूद इन्होंने क्या करा, जो असली बात है, एक क्विड प्रो क्यो अरेंजमेंट हुआ डीजीपी का और चन्नी सरकार का। अच्छा, एक नया डीजीपी लाया गया जो तीसरा डीजीपी था, एस चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय साहब जो हैं ये एलिजिबल नहीं थे डीजीपी लगने के लिए, तो इन्होंने कहा कि हम आपको रेगुलर डीजीपी बना देंगे बाय हुक और बाय क्रूक, हम चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़े, और तुम ये काम करो कि तुम मजीठिया साहब जो हैं उनके खिलाफ आप गलत केस का फॉल्स केस कर दो। उन्होंने इन राइटिंग, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हुआ है कि डीजीपी कह रहा है, क्योंकि सब अफसर कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते गलत काम, डीजीपी लिख के दे रहा है। तो जो डीजीपी ने लिख के दिया उसके बाद अपना जो भी गलत केस हुआ, और जो अलका जी कह रही हैं, ये आई थी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, इन्होंने अपना जो यहाँ होम मिनिस्टर हैं अपना सुखजिंदर रंधावा उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिबेट नहीं कर रहा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पीएम की सुरक्षा में चूक का प्लान चन्नी के ऑफिस में बना, ये आपको कैसे पता लगा, कौन कौन था उस मीटिंग में, मुझे वो बताइए ना, मजीठिया पर क्या केस है क्या नहीं, उस पर डिबेट नहीं कर रहा मैं, पीएम की सुरक्षा में चूक की प्लानिंग सीएम ऑफिस में बनी, ये आपका आरोप है, इसे साबित करिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये अभी मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है, जो कंसर्न्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको प्रूफ दिया जाएगा, ये आप निश्चिंत रहिए, जैसे हमने पहले प्रूफ दिए हैं, हमने जो भी इन पर लगाया है, जो भी इनके बारे में कहा है उसका हमने प्रूफ दिया है, ये भी हम प्रूफ देंगे। और मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ, अभी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कमाल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हम प्रूफ देंगे इन्वेस्टिगेशन, तो बताइए ना भाई, आपने इतना बड़ा आरोप लगाया कि चन्नी के दफ्तर में पीएम के खिलाफ साजिश का प्लान बना, कुछ तो बताइए, इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दी, मेरे को बताइए ना, मैं आपको कह रहा हूँ, इससे बड़ी बात मैं कह सकता हूँ आपको क्या, कि हम प्रूफ देंगे, हमारे पास जो भी प्रूफ है हम देंगे, पर मैं आपके पैनल में अभी नहीं बता सकता सब कुछ। दूसरी बात ये कि अलका जी कह रहे हैं कि चन्नी साहब ने कहा कि मैं अपने सीने में गोली लगाऊं, अपना पहले सीना अपना आगे, जगवीर जी ये ना एक तो सुनिए ना, ये ना एक तो मजाक नहीं हो रहा, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो और आप कह रहे हैं मैं सबूत नहीं दूंगा, मैं बताऊंगा नहीं, छुपाने के लिए थोड़ी ना, बताइए ना भाई, आप इतने सीरियस चार्ज लगा रहे हैं जगवीर जी, आप कह रहे हैं कि सीएम के ऑफिस में पीएम की हत्या की साजिश का प्लान बना, तो आप बताइए ना, क्या डीजीपी बदला, सीएम बदला, आपको लगता है समझ नहीं आ रहा कि कई चीजें होती हैं जो टीवी स्टूडियो में बताने वाली नहीं होती, हर चीज टीवी स्टूडियो में डिस्क्लोज नहीं। देखिए अलका लांबा भी हंस रही है, वो भी हंस रही है, आपके पास कुछ है ही नहीं, हवा हवाई बात कर रहे हैं, वो अलका लांबा भी हंस रही है, इसलिए मैं बता सकता ना, आप मेरी पूरी बात तो तकरीर तो सुन लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ कि ये अभी अलका जी कह रहे थे कि हमारा जो सीएम है चन्नी, ये अपने सीने में गोली खाने को तैयार है, जो सीएम झूठ बोल रहा है, जो सीएम कह रहा है कि ये जो लोग है अचानक आ गए थे, अचानक तो वहाँ कोई आया नहीं था, अच्छा ठीक है, वो तो प्लान था, ये तो आपने बता ही दिया कि सारा कुछ प्लान था। जगवीर जी देखिए, जगवीर जी आपका आरोप संभवतः सबसे बड़ा था, अलका जी आप जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद मैं समेत आपके पास आऊंगा। अलका जी आरोप यह है कि चार चार डीजीपी बदले, मैं सवाल पूछ रहा हूँ अलका जी, चार चार डीजीपी बदले, सीएम भी बदले, अमरिंदर होते तो शायद संभवतः ये सब नहीं हो पाता, अमरिंदर हटे है ना, तो ये सारी चीजें कॉन्स्पिरेसी है क्या? अलका लांबा, अमन जी आपका धन्यवाद करती हूँ, आपको मिलाकर चार पैनल में लोग हैं और 4:3:1 है, धन्यवाद पर आप मुझे समय पूरा दे रहे हैं। 3 लोग भाजपा, दिल्ली वर्सेस पंजाब किया जा रहा है, दिल्ली में कौन बैठा प्रधानमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री भी इन्हीं की भाषा बोल रहा है, अकाली बिहार के लीडर भी यहाँ पर बैठकर, पंजाब वर्सेस दिल्ली, सीएम चन्नी वर्सेस ऑल हो गया है, और पंजाब सुन रहा है, पंजाब देख रहा है, किसी ने सवाल नहीं किया जब उत्तराखंड में एक के साथ 3 मुख्यमंत्री बदल दिए जाए, यहाँ सवाल है कि पंजाब में दूसरा मुख्यमंत्री क्यों बदला गया, लेकिन उत्तराखंड में 3 क्यों बदले, ये सवाल नहीं। दिल्ली पुलिस दिल्ली कार्डर से नहीं आते थे, वो रिटायर हरमिंदर साहब पर अटैक हुआ था, उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा हुआ, इंदिरा गांधी आप क्या पंजाबियत की बात करेंगे, अच्छा ठीक ठीक सही बात बोलने दीजिए, पंजाब की हिस्ट्री नहीं पता। चलिए जगवीर जी वो अलका बोल रही है, उसके बाद संबित बोलेंगे, अपनी टर्न पर बोलेंगे, ठीक है अलका 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 नहीं सीखनी है,
आपको पता है आप जिनके साथ बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दस्तावेज दिखा रहे थे, उनके फादर ने जस्टिफाई करा है श्री हरमिंदर साहब के ऊपर एक्शन, उनके फादर ने इंदिरा गांधी ने जो श्री दरबार साहब को उठाया था कालतक साहब को, उसको जस्टिफाई करा है। पंजाब की है, पंजाबियत की है। चन्नी ने जो वर्ड कितने ने ओयो पंजाबियत सुनो, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ, ਆਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀਜੀਏ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲेंगे। ਸਬਮਿਟ ਵੇਟ ਕਾ ਟਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੁਕੀ ਅਲਕਾ ਜੀ, ਆਡੀਓ ਬੰਦ ਹੈ ਸਬਕਾ, ਕਿਸੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਲਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਜਗਵੀਰ ਜੀ ਰੁਕੀ, ਕੋਈ ਬੀਚ ਮੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਅਲਕਾ ਜੀ, ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਗਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਚਾਰ ਚਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲ ਗਏ, सीएम बदल गए, डीजीपी मुख्य सचिव कॉन्वॉय में नहीं थे, अचानक से प्रदर्शनकारियों को रूट पता था, इतने सारे कोइंसिडेंस है अलका जी, इसलिए डाउट हो रहा है। और आप कह रहे हैं कोई थ्रेट नहीं था, सिर्फ अलका लंबा बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, उसके बाद समित बोलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद अमन जी, दोबारा 4:1 है, समय दे रहे हैं, धन्यवाद आपका। नंबर एक, मैं आपको फिर कह रही हूं, उत्तराखंड के 3 मुख्यमंत्री 3 महीने में बदल डाले, कोई सवाल नहीं है। पंजाब में मुख्यमंत्री ने कहा मेरा लास्ट चुनाव है, कैप्टन बदलना था, हमने बदल दिया, इसमें विवाद है। दिल्ली का पुलिस कमिश्नर रातों रात बदल जाता है, ऐसे आदमी को जो दिल्ली काडर नहीं गुजरात काडर का होता है, रिटायर हो गया, उसे लाकर बिठा दिया जाता है, कोर्ट में केस चलता है, सवाल नहीं उठता कि वहां ये क्यों साजिश की गई, क्यों बाहर के आदमी को कमिश्नर बनाकर दिल्ली सौंप दी गई, और जहां पर दिल्ली के दंगे तक हो जाते हैं और दोनों खामोश बैठे। पंजाब में सवाल है कि पंजाब में तो अभी भी डीजीपी बदल दिया गया, चुनाव आचार संहिता के बाद चुनाव आयोग ने ये फैसला ले लिया, हम तो स्वागत कर रहे हैं, कोर्ट ने जांच बिठा दी, हम स्वागत कर रहे हैं, कोर्ट को जांच करने दीजिए ना, राजनीतिक एजेंडा नहीं था ना, राजनीतिक लाभ नहीं लेना था, तो क्यों चुनावी जनसभाओं में इस मुद्दे को जिंदा रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि असल मुद्दों को दफन करने के लिए, मारने के लिए। लास्ट पॉइंट, चन्नी जी ने जो कहा है, मैं अपना सीना आगे करूंगा, प्रधानमंत्री पर आंच नहीं होना दूंगा, वो सबके प्रधानमंत्री है, हमने 2 पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राजीव गांधी कोए हैं, उनकी हत्या हुई है, पंजाब के ऊपर उंगली उठाते हैं संबित पात्रा, उसी पंजाब में सीना के आगे करेंगे, उसी दिल्ली ने वापस कांग्रेस को फोन तो उठा नहीं रहे, और पंजाब में भी हम सत्ता में है, दिल्ली में भी 15 साल रहे। एक सेकंड, लास्ट पॉइंट हमारा, चलिए ठीक है, पंजाबियत की बात इन्हें समझा दीजिए, अकालियों को जो पंजाब की सियासत करते हैं, नशे में बर्बाद कर दिया, आज वो नशा माफिया दौड़ा फिर रहा था बेल के लिए, उसकी बेल कहां से मिली, उसके आते ही बयान ने बता दिया, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा जब उसने बनाया तो समझ आ गया, एहसान उतार रहे हैं। अलका जी, ये कहने में अच्छा लगता है कि सीना आगे कर देंगे, फोन तक तो उठा नहीं रहे थे, नंबर एक। नंबर दो, उत्तराखंड अब पूरा, अब आपको मैंने बीच में नहीं टोका, अभी मत टोकिए ना, उत्तराखंड के सीएम बदले जाते और वहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ होता तो मैं भी सवाल उठाता। उत्तराखंड में सुरक्षा में चूक नहीं हुई ना, वहां सीएम बदला तो वहां ऐसा कोइंसिडेंस नहीं हुआ ना, वहां डीजीपी बदला तो वहां ऐसा नहीं हुआ ना। अलका जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, संबित चलिए ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी जांच के बाद हो जाएगा। संबित पात्रा आप बोलेंगे, हाँ मैं करूंगा, एक एक करके बोलेंगे, किसी को बोलने देती नहीं है, नहीं नहीं बोलने देंगे, आई विल मेक श्योर, ठीक है अलका जी, अलका जी अब हो गया, संबित पात्रा बोलेंगे, मेक श्योर कर लीजिए, संबित सबके बीच में चिल्लाती रहती है नॉनस्टॉप, ऐसा नहीं चलेगा अमन भाई, ऑडियो मैं मेरे हाथ में, संबित थैंक यू, संबित थैंक यू। देखिए अमन भाई, याद करिए गुजरात में जब राहुल गांधी गए थे आज से कुछ वर्षों पहले, तो इनके एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मोबाइल के माध्यम से राहुल गांधी का कोई वीडियो इत्यादि बनाने की कोशिश की, तो उससे एक लाइट राहुल गांधी के सर के ऊपर पड़ा, पूरी की पूरी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देश जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हायरे मार डाला, हमारे राहुल गांधी को असैसिनेट करने की कोशिश की, गुजरात में ऐसा कर दिया, राहुल गांधी को आज छोड़ते नहीं, ये तो भगवान का भला है, राहुल गांधी बच गए। एक बार राहुल गांधी कहीं हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, अभी वो हेलीकॉप्टर में कुछ थोड़ा सा नीचे आ गया हेलीकॉप्टर, ओहो हेलीकॉप्टर के इंजन में कुछ भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया था, हेलीकॉप्टर को कुछ खराब कर दिया था, राहुल गांधी को मारना चाहते थे, राहुल गांधी को उड़ाना चाहते थे, जबकि भैया भाई तो हम तो सब महादेव से एक ही प्रार्थना करते हैं, राहुल गांधी जी को कम से कम 2000 वर्ष तक जीवित रखना, ये कांग्रेस वाले भी जानते हैं, फिर भी ये ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि राहुल गांधी को हम मारना चाहते थे, हेलीकॉप्टर में हमने बम लगाया था राहुल गांधी को उड़ाने के लिए, और प्रधानमंत्री को लेकर आप इनके इनकी बातों को सुन रहे हैं ना, प्रधानमंत्री अमन भाई पहले इनके ये म्यूट में ही इनको बोलने दीजिए प्लीज, अमन भाई ये म्यूट में ही बोलते हुए अच्छे लगते हैं, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, केवल मुंह चलाइए, आवाज मत ट्रांसमिट करिए, मुंह चलाते हुए दिखाइए इनको। अमन भाई मुझे दुख इस बात का होता है, इतने गंभीर मुद्दे पर आप देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता शुरू से अंत तक कभी हंस के बाएं देख रही है, कभी दाएं देख रही है, मतलब ये पूरा मुद्दा इनके लिए गौण है, महत्वपूर्ण भी नहीं, देश का कोई भी प्रधानमंत्री
अमन भाई पहले इनको म्यूट में दिखाइए आप, अमन भाई सबके, मैं इंतजार करूंगा अमन भाई, मैं इस प्रकार का डिबेट बिल्कुल नहीं करूंगा। अलका जी, अलका जी, आप सबके बीच में अच्छा नहीं लगेगा, बीच में बोलती रहती है आपको हमेशा, आपको मैंने पूरा मौका दिया, आप सबके बीच में बोलेंगे अच्छा नहीं, आप इनको म्यूट कर दीजिए, ये पोस्टर में कोई नहीं बोल रहा बीच में, मैं आई विल मेक श्योर, अब हो गया, मुझे अजय आलोक के पास भी जाना है, एक मिनट, आप समित पात्रा से बात बोलेंगे, फिर समित बोलेंगे, आप बोलिए समित, समित कंप्लीट करिए, समित ऑडियो बंद है, बाकी सबका, मेरा भी बंद है, सबका बंद है, फिर अजय आलोक। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर, आपने कभी ऐसा दृश्य देखा था? 20 मिनट तक प्रधानमंत्री की गाड़ी अटकी हुई है, हेड ऑन दूसरी गाड़ियां आ रही हैं, लोगों ने वीडियो तक बनाया है, ये देखिए प्रधानमंत्री की गाड़ी मेरी गाड़ी के सामने आ गई, बसें और ट्रक खड़ी हैं प्रधानमंत्री जी की गाड़ी के साथ, कभी आपने ये दृश्य देखा है? उसके बावजूद हम बैठ के यहां डिबेट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को खतरा था या नहीं था, प्रधानमंत्री के काफिले के साथ सुरक्षा चूक हुई या नहीं हुई, जो खुलासा हुआ है चाहे किसी और चैनल ने किया हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये बातें तो सुप्रीम कोर्ट भी सामने ले आएगी, जो खुलासा हुआ है इसमें स्पष्ट रूप से वहां के SHO और जो DSP है वो बता रहे हैं कि ये सारी चीजें हो रही थी, हम सारे रिपोर्ट दे रहे थे मगर हमारे रिपोर्ट पे कोई एक्टिव काम नहीं हो रहा था, कोई काम ही नहीं हो रहा था। आप अभी सोच ही सकते हैं कभी कि वहां के लोकल पुलिस इनपुट्स दे रही हो और वहां के जो हायर ऑफिशियल्स हो वो काम नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे थे हायर ऑफिशियल्स काम? क्योंकि कहीं ना कहीं से उनको इंस्ट्रक्शन आया होगा ना कि आप काम मत करिए, और ये इंस्ट्रक्शन कौन दे सकता है? मैं तो चन्नी साहब के ऊपर भी उंगली नहीं उठाऊंगा, क्योंकि चन्नी साहब ये कर नहीं सकते हैं, ये काम केवल और केवल गांधी परिवार कर सकता है, षड्यंत्र करना, दूसरों की सुरक्षा में सेंध लगाना। और नवजोत सिंह सिद्धू ने जब कहा, एक सेकंड, नवजोत सिंह सिद्धू ने जब कहा कि एक सीक्रेट मिशन में राहुल गांधी विदेश गए हुए हैं गुप्त बात करने के लिए, उसका अर्थ क्या होता है? अजय आलोक, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के खिलाफ बोलना क्या पंजाबियत के खिलाफ है? दलित CM को हम देख नहीं सकते? अरे दलित CM के खिलाफ तो देखिए, मैं अमन आपको एक बात साफ बता रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू ही बोल रहे हैं कि CM कौन होगा पता नहीं, पहले नवजोत सिंह सिद्धू। अजय आलोक पंजाबियत के खिलाफ है, बार बार पंजाबियत के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं आप लोग, जो अलका जी समझा रही हैं। खैर वो तो खैर, पंजाब की जनता तय करेगी कि पंजाबियत के खिलाफ कौन है, वो जनता भी ज्यादा समझदार है, किसी के पंजाबी बोलने से वो पंजाबी नहीं हो जाता है, ऐसे तो फिर हर लोग पंजाबी ही हो जाते हैं, पंजाबियत का ध्यान कर लेते हैं ना। अब कोई कश्मीरी ब्राह्मण बन जाता है जनेऊधारी, तो वो जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं होता, वो रहता है पारसी ही है, ये भी सच्चाई है। अब ऐसा है कि देखिए, सच्चाई है कि एक मास परसेप्शन पे राजनीति चलती है, कोई भी राजनीतिक दल हो। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, इसमें राष्ट्रीयता का बोध खत्म हो गया, ये मास परसेप्शन हो गया है। और ये लोग जितना इस तरह से चिल्ला रहे हैं ना फालतू में, इससे और ये मोहर लगती है कि इनमें बिल्कुल राष्ट्रीयता का बोध खत्म हो गया है, सत्ता लोलुपता इतनी ज्यादा हावी है कि इनको राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र प्रेम, इन दो शब्दों से कोई मतलब नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं,